नमस्कार, आज छात्र छात्राओं को मास्टर माइंड तिपलियास में स्वागत है। मैं आज आपको सिखाऊंगा अक्षरांकन क्या होता है। और पिछले लेसन में आपको पढ़ाया था ड्राइंग संबंधित टूल, जैसे स्क्वायर, कंपास, स्केल, रबर पेंसिल बताया था। फिर भी वही सामान यहाँ भी लगेगा। साथ साथ हम इंट्रोडक्शन, इसके पहले बताऊँगा अक्षरांकन क्या होता है। अक्षरांकन का इंट्रोडक्शन उसे कहते हैं जो कि हम कितनी भी सुंदर राइटिंग वाले हों, कितने भी अच्छे कलाकार हों, कितने भी हम टाइप बाबू हों, किसी के आलम पढ़ते हों, अगर अक्षर सही नहीं है, सुंदर नहीं, तो आपका इज्जत नहीं होगा। भले नंबर आपको पूरा लिख जाए पर नंबर में कमी हो जाए, अगर जो ये अच्छा राइटिंग बनाते हैं उनका नंबर उठ जाता है। अक्षरांकन इससे ये होता है कि अक्षरांकन इसे कहते हैं जिसके द्वारा हम ड्राइंग के द्वारा लिखने वाले विवरण के द्वारा जो भी हम रेखांकित करते हैं उसी को अक्षरांकन कहते हैं। अक्षरांकन करने से ये लाभ होता है कि आपका पहचान अलग होगा, आपका नंबर बढ़ जाएगा। प्लस इसीलिए अक्षरांकन एक ऐसा स्टाइल से बताऊंगा, लेटर के द्वारा सुधारने को बताऊंगा, वह है अक्षरांकन, जिसके द्वारा आप आसानी के साथ कर सकते हैं। प्रकार में आ जाइए, देखिए कि प्रकार में यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल स्ट्रोक। हाँ, सिंगल स्ट्रोक जिसे मतलब, जैसे कि मान चलिए सिंगल स्ट्रोक में कि छोटे छोटे अच्छा पेपर में होता है, न्यूज़पेपर में होते हैं, और चाहे बुक छपते हैं सिंगल स्ट्रोक होते हैं, जैसे यहाँ पर छपा है सिंगल स्ट्रोक में। डबल स्ट्रोक मतलब अक्षर को उससे द्वारा सिंगल स्ट्रोक दुगुना कर देना है। जैसे कि बता रहा हूँ सिंगल ये कि बता रहा हूँ ये डबल स्ट्रोक में है। देखिए यहाँ पर ये बना हुआ लेडी बना हुआ है जिसके द्वारा आपसे ये डबल स्ट्रोक है। और इसके बाद तीसरा है कंप्यूटर स्टाइल नीचे दिए गए हैं जिसके द्वारा ये लिखे गए हैं, जैसे सर्टिफिकेट मार्कशीट में पाए जाते हैं, मिलते हैं, जो कि इसको ऐसे शब्द होते हैं कि जो देखने सुंदर है, जो दूसरों को दिखाने में अच्छे लगेंगे, इसलिए कंप्यूटर स्टाइल के द्वारा बनाए जाते हैं। ये तीन स्ट्रोक है। तो मैं आपको पहला है सिंगल स्ट्रोक में 75 डिग्री कोण और 90 डिग्री बनाने का सिखाऊंगा। यह चीज़ आपको परीक्षाओं में बनाने के लिए भी आता है, विशेष ध्यान दीजिएगा। और आसमेटिक भी हुआ या फिर निष्कर्षिंग, यही तरीका अपना का अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करता हूँ ए से लेकर टू जेड तक, मैं जेड तक बताऊँगा, वो भी कैपिटल लेटर में, सिंगल कैपिटल लेटर बताऊँगा। तो जैसे पहला पॉइंट रखिए, बिंदी यहाँ रख लीजिए, आराम से दोनों बिंदी यहाँ रख कर बिंदी मिला लीजिए, ये हो गया। इसकी एक ध्यान रखिए, खाने की लंबाई जो है कि आप ये बना रहे हैं तो इसकी ध्यान रखिए कि यह 10 mm का इधर खाना होना चाहिए, 10 mm का इधर खाना होना चाहिए, आप 10 का ऊपर होना चाहिए। अगर बीच में स्पेस देख रहे हैं तो ये होना चाहिए, अगर ये बीच में 5 mm कुछ बन, ऐसे क्रिया से आप इस क्रिया को के द्वारा हर खाना बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे। यहाँ 5 mm को हो गया, बी बनाने के लिए हल्का से 1 mm जो भी जगह छोड़िए यहाँ पर, ये आसानी के साथ कर लीजिएगा। फिर सी के लिए वही स्टाइल है जो कि इनके द्वारा इस तरह से कर लीजिएगा। फिर ई के लिए यहाँ ए बी सी डी ई के लिए इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ये छोटा यहाँ पर 1 mm जगह देना और आसानी के साथ कर लेना है। और यही चीज़ बताएँ हो आप छोटा अक्षर में क्या करेंगे, अभी स्मॉल लेटर में क्या करें, यही तरीका है। इसमें एक ध्यान रखिएगा, ये बताएँ होंगे ऐसे तो आप ये आपको अभी हमेशा समय अभाव कारण से मैं पूरा नहीं दे रहा हूँ, पर आप ये क्रिया आपको जो सिंगल स्ट्रोक में बताएगा 90 डिग्री एक्ट बनाना आपको है, और इसको कैपिटल में भी बनाना चाहिए। मैं कैपिटल सिखाता हूँ इस तरह का 90 डिग्री पर, इस तरह से बना लीजिएगा ए, फिर यहाँ पर ध्यान रखिए बी, फिर सी, फिर डी इस तरह बनाइएगा, फिर इस तरह ध्यान रखिएगा डी बनाना है, फिर इसको ये ध्यान रखिए कि ये भी आपको ए से लेकर जेड तक बनाना है जो 90 डिग्री में है।
बनाने की बनाइएगा और अभ्यास कीजिए। अगर कोई चीज़ हो तो मुझे कमेंट पूछ सकते क्या बनाएगा, तो मैं उत्तर दूंगा आपको। आओ देखते रहिए धान वीडियो को। अब यही आ गया है कि सिंगल स्टोव 90 डिग्री, 90 डिग्री में खाना ऑलरेडी पहले बना रखा हूँ। थोड़ा आगे पीछे खेद है, मैं प्रयास करूँगा सुधारने के लिए। आप बनाएंगे तो हमसे पूछते रहे, हर खाने के यही तरीका है। यहाँ पर यहाँ 90 डिग्री पर है, यहाँ 75 डिग्री का कोण रखने के बाद इस तरह रखेंगे आसानी के साथ यह मिल जाएगा मैटिंग। और आसानी के साथ यहाँ मिलने के बाद ये ध्यान रखिएगा, ये 75 डिग्री को लाइन इंच लीजिएगा और यही खाना आपको फिर यही इसी से बार बार खींचिएगा। और ये भी कोण ये 10 mm का होना चाहिए, ये 10 mm का, ये बीच वाला ये 5 mm का होना चाहिए। खाना बना लीजिएगा और 26 अच्छा बनाना आपको बनाना, चाहे सिंगल स्टोव में चाहे कैपिटल लीटर में, चाहे बड़ा लीटर में, चाहे 75 डिग्री चाहे 90 डिग्री, आपको 26 अच्छा बनाना है। तो इसमें भी आपको बता रहा हूँ कैसे इसको भी टू टू का जेट कर देना हूँ। तो जैसे कि मानने का तरीका वही है, पर यहाँ लेटर हर का यहाँ करना है 5 mm के एक जगह याद, ऐसे कर का आसानी के साथ आप कर सकते हैं और आपका राइटिंग भी सुधर जाएगा और प्लस आप प्रशंसक लायक होंगे। और ये ध्यान रखे सावधानी पूर्व बनाइएगा और दिक्कत कोई हो तो हमसे कमेंट पर आप पूछ सकते हैं, आराम से इस तरह से अपना लीजिए। ये बताएं हम, अब इसमें ये देखिए सिंगल स्टोव, इसी तरह हम आपको बताऊंगा कि छोटा लेटर बनेगा स्मॉल लेटर, तो इस तरह से हम इस तरह से आप ए बना सकते हैं, ध्यान रखिए बीच में 1 mm का बी बना सकते हैं, हल्का से गैप रखिए 1 mm का, फिर इसमें सटा दीजिए, फिर सी बना दीजिए इस तरह से, फिर डी बना दीजिए, डी बनाने के लिए इस तरह सुंदर बनाना है, फिर ई बना लीजिए इस तरह। इससे आपको लगातार अभ्यास करेंगे आसानी के साथ हो जाएगा और दिक्कत कोई नहीं होगा। तो जिसको द्वारा कार्य गलत हो गया है तो इसके द्वारा ये चीज़ बनाएंगे बार बार अभ्यास हो जाएगा सुंदर लग जाएगा। सावधानी ये रखना है आपको कि आप काम कर रहे हैं तो आपको पहले से उसको बाकायदे बार बार वीडियो देखें जिससे जानकारी हो जाएगा रखने के लिए। पहली बात और बताऊँगा कि ये बना रहे हैं डायमेंसिंग कर रहे हैं आप, पहले आउटलाइन खींच लीजिए, खाना बना लीजिए 10 mm 5 mm बनाते बनाते रहेंगे। रबड़ का प्रयोग अच्छा कीजिए, बार में गंदा ना हो पाए। और प्लेन स्थान बनाइए, खुद स्थान पर सही नहीं बनेगा। और सावधानी के सट क्वायर जो इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रकाश के लिए इस्तेमाल कर रहे, रबड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसको आप साफ सुथरा रख कर बनाइए। अगर बाद चाहे गंदा हो जाता है तो उसमें आप उधर के शैम्पू के द्वारा साफ कर सकते हैं। और इसी को ध्यान पूर्वक कम से कम इसको 3 से 4 बार अभ्यास करेंगे तभी बनेगा। पहली बार करने पर हो सकता है बनेगा, बार बार करेंगे तो आसानी के साथ हो जाएगा। कार्य करते समय ध्यान रखना कि आपको दिमाग को एकत्रित करेंगे सीख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए इतना समय दिया। थैंक यू।